मूवी के स्टार्ट में हम एक फैमिली को देखते हैं जो कार में बैठकर कहीं जा रहे थे और तभी अचानक उनकी कार के सामने एक हिरन आ जाता है जिससे उस कार का एक्सीडेंट हो जाता है और वो हिरन भी मारा जाता है। इस एक्सीडेंट की वजह से उनकी कार पर खून लग जाता है जिसकी वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है और अब सभी गाड़ी से उतर जाते हैं और जो हस्बैंड होता है वो गाड़ी को देखने लगता है और इसके बाद उनका डॉग कहीं झाड़ियों में चला जाता है जिसे ढूंढने के लिए उसका हस्बैंड जाता है जबकि उसकी वाइफ गाड़ी के पास ही खड़ी रहती है और तभी अचानक सामने से उनका डॉग खुद ब खुद आता है लेकिन उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। देखकर लग रहा था कि किसी ने उसे मारा है। उसकी वाइफ उस डॉग को देखने के लिए करीब जाती है लेकिन तभी वो अचानक मुड़कर देखती है जिसके सर का आधा हिस्सा कटा हुआ था। ये देखकर उसकी वाइफ काफी ज्यादा डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अब सीन यहीं कट हो जाता है और फिर हम एक ट्रिप नामी लड़के को दिखाया जाता है। वो एक खूबसूरत अपार्टमेंट में मौजूद था। वो उस अपार्टमेंट में मौजूद रेड फोर्ड नामी शख्स से ड्रग्स ले रहा था। उन ड्रग्स को देखकर ट्रिप उससे कहता है कि क्या ये असली है जिसके बाद रेड फोर्ड ट्रिप को पंच मारता है क्योंकि उसने सोचा था कि शायद ट्रिप ने ये मजाक में कहा है। ट्रिप उसे इसके बाद कुछ नहीं कहता और पैसे दे देता है। इसके बाद रेड फोर्ड चेंज लेने के लिए दूसरे रूम में जाता है और इसी का फायदा उठाकर ट्रिप वहाँ पर मौजूद सारी ड्रग्स उठा लेता है। और अब दूसरी तरफ ट्रिप के दोस्त को दिखाया जाता है जिनका नाम कुकी नेल्सन और ग्रिच था। उनमें इनका एक दोस्त जैक होता है जो कि अंधा था। वो अपनी गाड़ी में बैठकर एरिया 52 के लिए निकल जाते हैं। उन सब में से ग्रिचन गाड़ी चला रही होती है। थोड़ा ही सफर करने के बाद वो आराम करने के लिए होटल में रुकते हैं। हम देखते हैं कि नेल्सन, ग्रिचन और ट्रिप एक साथ बैठे हुए थे कि तभी ट्रिप को रेड फोर्ड का कॉल आता है। वो कहता है कि कैमरे में मैंने तुम्हें ड्रग्स की चोरी करते हुए देख लिया है। वो उसे धमकी देता है कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो वो मुझे वापस कर दो। ये सुनकर ट्रिप डर जाता है। नेल्सन अचानक से ट्रिप से पूछता है कि किसकी कॉल थी तो ट्रिप रॉन्ग नंबर कहकर इस बात को टाल देता है और फिर सब लोग एरिया 52 की ओर बढ़ जाते हैं और रास्ते में ही ट्रिप सबको ड्रग्स दिखाता है जिसे देखकर ग्रिचन भड़क जाती है और गाड़ी को रोककर ट्रिप को गाड़ी से उतरने का कहती है। इसके जवाब में ट्रिप कहता है कि तुम मुझे इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकती। ये सब देखकर कुकी कहती है कि तुम लोग अपने इस मैटर को सॉल्व कर लो, तब तक मैं जरा वॉशरूम कर आती हूँ। और वो गाड़ी से उतर जाती है। ट्रिप अभी भी ग्रिचन को समझा रहा था और ट्रिप के समझाने के बाद ग्रिचन उससे कहती है कि मैं तुम्हें एक होटल तक छोड़ दूंगी और फिर ट्रिप भी इस बात के लिए एग्री हो जाता है। और इसके बाद वो कॉल करने के लिए नेटवर्क ढूंढता है लेकिन उसे इस इलाके में कोई भी नेटवर्क नहीं मिलता। और तभी अचानक से एक जोरदार भूकंप आता है जिसे सभी लोग नजरअंदाज कर देते हैं और फिर सभी लोग अपने सफर में आगे निकल जाते हैं। इसके बाद ही वो कुछ ही दूरी पर एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं। इस गैस स्टेशन पे आने के बाद सभी लोग ट्रिप को वहीं छोड़कर आगे निकल जाते हैं लेकिन गाड़ी ही तभी बीच में रुक जाती है और स्टार्ट नहीं होती। इसके बाद ट्रिप और ग्रिचन गाड़ी को ठीक करने की कोशिश करते हैं और नेल्सन और कुकी दूसरी जगह बैठकर बातें करने लगते हैं और कुछ ही वक्त में ट्रिप गाड़ी ठीक कर लेता है लेकिन गाड़ी में पेट्रोल ना होने की वजह से गाड़ी अब भी नहीं चल रही थी और इस गैस स्टेशन में पेट्रोल भी नहीं मौजूद था। वो स्टेशन पूरी तरह से सुनसान था। वहाँ की हालत देखकर लग रहा था कि यहाँ पर कोई भी आता जाता नहीं है और इसके बाद सभी वहाँ पर मौजूद मोटल में मदद ढूंढ रहे होते हैं लेकिन यहाँ इन्हें कोई भी नहीं मिलता। और फिर हम जैक को देखते हैं जो कि होटल के एक रूम में लेटा हुआ था। तभी वहाँ पर कुकी आती है और वो वहाँ पर कुछ देर बैठती है। कुकी को वहाँ पर एक किताब मिलती है और वो इस किताब को उठाकर वहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ट्रिप और नेल्सन गैस को ढूंढने के लिए उस जगह का चप्पा चप्पा छान लेते हैं। वो साथ में यहाँ के स्टोर रूम में भी जाते हैं लेकिन गैस उन्हें कहीं भी नहीं मिलती। दूसरी तरफ कुकी वो किताब ग्रिचन के पास लेकर जाती है। उस किताब की हालत काफी ज्यादा खराब थी। कुकी ग्रिचन से कहती है कि शायद ये किताब किसी पागल ने लिखी है और तभी ट्रिप वहाँ पर आकर उनसे कहता है कि अब मुझे बाहर जाकर देखना पड़ेगा, शायद हमें बाहर से कोई मदद मिल जाए। जिस पर ग्रिचन कहती है कि तुम्हें वहाँ पर कोई भी मदद नहीं मिलेगी लेकिन ट्रिप इस बात को इग्नोर करता है और वो रोड की तरफ चला जाता है। ट्रिप जब रोड के बीच चल रहा था तो उसे वहाँ पर एक गाड़ी नजर आती है जिसे देखकर ट्रिप फौरन छुप जाता है क्योंकि उसे लगा था कि ये रेड फोर्ड की गाड़ी है लेकिन उस गाड़ी में कोई और आदमी था। वो आदमी ट्रिप को बताता है कि मैं अपनी बीवी को तलाश कर रहा हूँ। ये आदमी ट्रिप को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो काफी देर से भटक रहा था और उसे कोई इंसान ही नहीं दिख रहा था। वो आदमी ट्रिप से और लोगों के बारे में भी पूछता है जिसके बाद वो बताता है कि मेरे कुछ दोस्त हैं जो कि होटल में रुके हुए हैं। और फिर ट्रिप और वो आदमी उस होटल में पहुंच जाते हैं जहां उन दोनों को जैक, ग्रिचन और कुकी मिलते हैं। और फिर वो आदमी उन्हें अपने बारे में बताता है कि मेरा नाम हेनरी है
वो उनसे ये भी कहता है कि मेरी बीवी मुझे सुबह से नहीं मिल रही है। और बात करते करते हेनरी को अचानक अपने सीने में दर्द होने लगता है और फिर वो अपनी वैन की तरफ चला जाता है। वैन में आते ही उसे काफी अजीब तरह की स्मेल आती है जिसकी वजह से उसका दम घुटने लगता है और इसके बाद उसकी सांसें रुक जाती हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ट्रिप हेनरी की वैन से पेट्रोल चुरा रहा था और तभी उसके फोन में कॉल आती है, लेकिन सिग्नल ना होने की वजह से वो बात नहीं कर पाता। इसके बाद ट्रिप नेटवर्क ढूंढने के लिए उसकी छत पर चढ़ जाता है, लेकिन अचानक उसके पीछे से काला साया आ जाता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। और अगले ही सीन में कुकी को दिखाते हैं जो कि बाथरूम की तरफ जा रही थी। अब वहाँ भी वही स्मेल आती है, लेकिन कुकी उसे नजरअंदाज कर देती है और वो वहाँ से चली जाती है। और फिर अचानक से कुकी को नोज ब्लीडिंग होने लगती है और फिर कोई कुकी को नीचे की तरफ खींचने लगता है और इस तरह कुकी की मौत हो जाती है। और फिर दूसरी तरफ हम नेल्सन को देखते हैं जो अपने कमरे में बैठकर गाने सुन रहा था और अचानक कोई उसे बेड के नीचे से खींचता है, लेकिन वो खुद को बचाकर बेड के ऊपर चढ़ जाता है। इसके बाद वो चेक करने के लिए अपना जूता नीचे फेंकता है जिसे नीचे मौजूद ग्राइंडर पूरी तरह से फाड़ देता है। ये देखकर नेल्सन बुरी तरह से डर जाता है और फिर वो एक ब्लैंकेट ओढ़ लेता है और वहाँ रूम में मौजूद खिड़की से खुद को बाहर निकाल लेता है, लेकिन इसी दौरान एक कांच का टुकड़ा उसके गले में लग चुका था और इस तरह नेल्सन की भी मौत हो जाती है। कांच के टूटने की आवाज़ इतनी तेज थी कि ग्रिजन और जैक भी वहाँ आ जाते हैं। नेल्सन को यूँ मरा हुआ देखकर ग्रिजन सबको आवाज़ देती है, लेकिन दूसरी तरफ कोई भी रिस्पॉन्स नहीं होता और कोई जवाब भी कैसे देता क्योंकि अब कोई बचा ही नहीं था। फिर ग्रिजन जैक को लेकर वैन में जाती है और वहाँ उसे हेनरी मरा हुआ मिलता है। वो जैक को वहाँ पर बिठाती है और फिर वो हेनरी की गन लेकर बाकियों को ढूंढने जाती है। और फिर ग्रिजन कुकी के कमरे में जाती है और उसी किताब को देखने लगती है और अचानक ग्रिजन को आवाज आती है जिसे सुनने के लिए वो पीछे की तरफ चली जाती है। वो अपनी गन को वहीं रूम में छोड़ देती है। ग्रिजन आवाज का पीछा करते करते कमरे में पहुंच जाती है जहां उसे दीवार के पीछे कुछ लिखा हुआ दिखता है जिसे देखकर ग्रिजन उसे पढ़ने लगती है। ये बहुत बड़ा रहस्य है अंधेरे और रोशनी के बीच का। ग्रिजन को वो सब पढ़कर कुछ भी समझ नहीं आता। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैक वैन से निकल जाता है। वो वैन से एक रस्सी बांधता है जिसे पकड़कर वो आगे बढ़ने लगता है। जैक उस रस्सी को पकड़कर वैन से काफी दूर आ चुका था और वहाँ उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ग्रिजन दोबारा उसी रूम में आती है, लेकिन अब उसकी गन गायब थी। ये देखकर वो हैरान हो जाती है और दूसरी तरफ जैक भी डरकर दोबारा वैन की तरफ जाने लगता है, लेकिन उसकी रस्सी किसी ने काट दी थी और इस वजह से अब वो बीच में ही फंस जाता है। फिर ग्रिजन वहाँ जाकर देखती है, लेकिन जैक उसे वहाँ पर नहीं मिलता और फिर ग्रिजन उसे ढूंढने के लिए निकल जाती है और अचानक से जैक उसे दिख जाता है और उसके पीछे वही काला साया था। वो काला साया जैक को मारने ही वाला था, लेकिन ट्रिप उस पर गोली चला देता है। इसके बाद जैक और ग्रिजन ट्रिप के पास आते हैं और यहाँ हम ये देखते हैं कि उस काले साये ने ट्रिप के एक हाथ को काट दिया था। ट्रिप उन दोनों को लेकर स्टोर रूम में जाता है जहाँ पर वो ग्रिजन को एक हथियार दे देता है, लेकिन तभी वो काला साया उन लोगों पर हमला कर देता है। ट्रिप उन दोनों को फौरन वहाँ से भागने को कहता है। वो काला साया ट्रिप के पेट में चाकू घोंप देता है और वो ग्राइंडर उसके पेट को पूरी तरह से फाड़ देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैक बहुत ही ज्यादा डर चुका था, जिसके बाद ग्रिजन उसे गाड़ी में बिठा देती है और हेनरी के चुराए हुए पेट्रोल को अपनी गाड़ी में भरने लगती है, लेकिन अचानक से वही काला साया उसके पीछे आ जाता है तो वो ट्रिप के दिए हुए हथियार से उस पर हमला करती है और गाड़ी में फौरन बैठकर उसे स्टार्ट कर देती है, लेकिन वो काला साया अब गाड़ी के आगे आ चुका था जिसे वो सामने देखकर ठोक देती है। गाड़ी में ग्रिजन और जैक दोनों ही बिल्कुल ठीक थे और फिर वो दोनों वहाँ से आगे की तरफ निकल जाते हैं। कुछ ही देर में हम देखते हैं कि रोशनी होने लगी थी। वो लोग उस जगह से काफी ज्यादा दूर निकल चुके थे, लेकिन वो काला साया दोबारा उनके पास आ गया था। वो गाड़ी की छत को उखाड़ने लगता है। उसे ऊपर से हटाने के लिए ग्रिजन गाड़ी पे ब्रेक मार देती है, जिसके बाद उनकी गाड़ी पलट जाती है और इस हादसे में ग्रिजन और जैक काफी ज्यादा जख्मी हो जाते हैं। वो दोनों गाड़ी पे बेहोश हो जाते हैं। अब थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर कोई शख्स आता है और वो ग्रिजन को वहाँ से बाहर निकालता है और फिर अचानक ग्रिजन को होश आ जाता है। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि रेडफोर्ड था। और फिर वहाँ पर पुलिस आ जाती है। पुलिस को यहाँ पर हेनरी की बीवी भी मिल जाती है। वो उससे पूछताछ करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि उस रात हेनरी को हार्ट अटैक आया था। इसके बाद हम ग्रिजन और जैक को देखते हैं जो कि एक पार्क में वॉक कर रहे थे। और इसी के साथ हमारी इस मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलें और हमें कमेंट कर जरूर बताएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए इसी तरह की और भी वीडियोस बनाते रहें। शुक्रिया।